जी विजय शंकर जी जी नमस्कार। दोनों शहरों के बीच में अगर मूल फर्क देखा जाए तो उनके आकृति के साथ साथ उनकी सुघरता पर भी है। अशोक स्तंभ का शहर जो सारनाथ म्यूजियम से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह बना, उसमें नीचे सत्यमेव जयते नहीं है। हमने वहां से लिया अशोक स्तंभ सारनाथ म्यूजियम से, अशोक के बनाए स्तंभ का एक टुकड़ा है, वो आज भी वहां म्यूजियम में रखा हुआ। जब म्यूजियम में घुसेंगे तो बिल्कुल घुसते ही जो सबसे बड़ा हॉल सामने पड़ता है उसी के बीचों बीच में है। और सत्यमेव जयते लिया गया मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद के एक श्लोक का एक अंश लिया गया है कि सत्य की ही जीत होती है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय चिन्ह है और राष्ट्रीय प्रतीक है, तो उसको संसद पे लगाया जाना चाहिए। इसके लगाए जाने में कोई ऐतराज नहीं है। पहले भी मैंने कर्नाटक में भी देखा है, वहां भी राष्ट्रीय चिन्ह लगा हुआ है। यूपी असेंबली में भी मुझे याद आ रहा है, उसके ऊपर भी इस प्रकार का राष्ट्रीय चिन्ह लगा हुआ है। और हम लोग जब सर्विस में थे तो कंधों पर भी राष्ट्रीय चिन्ह लगता था, टोपी पर लगता था। ये राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय गौरव का चिन्ह है जो लगता था। मूल फर्क यह है कि जो शेर दिख रहे हैं संसद भवन पर, वो अशोक के उन शेरों से बिल्कुल अलग है। आप गौर से देखें, उनका अयाल देखें, उनकी आगे वाली बाह देखें, उनका आवश्यकता से अधिक खुला हुआ मुंह देखें, तो उनका स्वरूप कुछ विकृत हो गया है। ये वो स्वरूप नहीं है जो जिस स्वरूप से वो लिया गया है। दूसरी चीज ये है कि इसे बनाने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके बनाने में सरकार का कोई हाथ है या कुछ ऐसा है। निश्चित रूप से ये किसी न किसी कलाकार या मूर्तिकार को दिया गया होगा, कोई ठेका दिया गया होगा। लेकिन इसे लगाने के पहले यह बात बिल्कुल नहीं सोची गई कि जब आप इसका लोकार्पण करा रहे हैं तो कम से कम मूल प्रति भी इसको मिला लेते। ये बिल्कुल, ये भी बात सही है कि जो मूल प्रति है, जो मूल आकृति है, उस आकृति के बराबर इसको नहीं बनाया जा सकता, उससे कुछ फर्क आ सकता है। लेकिन मिनिमम फर्क होना चाहिए था कि पहली नजर में ही यह फर्क साफ साफ दिख रहा है दोनों की आकृति और बेडोलपन में। दूसरी चीज, इस अशोक स्तंभ, अशोक के बारे में मैं ये जरूर कहूंगा कि प्रधानमंत्री जिस राजनीतिक विचारधारा से आते हैं, वह राजनीतिक विचारधारा अशोक को बहुत पसंद नहीं करती है। लेकिन अब उसकी मजबूरी है कि वो बहुत कुछ खुल के नहीं कह पाती है। अशोक का मॉडल, अशोक की प्रजावत्सलता, अशोक का अहिंसा के प्रति मोह, अशोक का बुद्ध धर्म के प्रति समर्पण और अशोक के तमाम जो उपदेश है, ये इन्हें समय समय पर असहज करते रहते हैं। ये जब आप इनके व्यक्तिगत तौर पर बात करिएगा तो इनसे पता चलता रहता है, इनके लेखों में भी ऐसी चीजें हैं। तो मेरा यह कहना है कि ये संसद भवन हमारे देश का सबसे बड़ी पंचायत का सबसे प्रमुख भवन है। हर VIP वहां जाएगा। बहुत से लोगों को अंदाजा नहीं होगा कि इन शहरों में फर्क क्या है, क्योंकि बहुत से लोग प्राचीन इतिहास के छात्र नहीं रहे हैं, सारनाथ म्यूजियम का ओरिजिनल मूर्ति नहीं देखे हैं, तो एक प्रकार से उनको कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन आज सोशल मीडिया में ये छाया हुआ है, ये फोटो दिख रही है, तो इसको समझने के लिए किसी कला आलोचक की जरूरत नहीं है। कला आलोचक तो समझ ही जाएंगे। हम जैसे सामान्य लोग तो आमतौर पर थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, उनको भी ये देख के लग रहा है कि मूर्तियों के साथ ये गड़बड़ी की गई है। तो मुझे लगता है इससे अगर सुधारा जा सकता हो तो सुधार दिया जाना चाहिए, अन्यथा अभी लगी गया तो इस पर क्या कहा जाए।